तारा, प्यार मोहब्बत आजादी का मतलब ये नहीं है कि सज्जाद साहब के पूछे बगैर ही तुमने इनकार कर दिया। तो वो क्यों आए थे? मैं आपको भी इनकार कर चुकी हूँ और जरे को भी, फिर भी आपने उन्हें यहाँ आने की इजाजत क्यों दी? ये कोई गुनाह नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सज्जाद अंकल से कहें पहले अपने घर की बहू को इज्जत तो दिलवा दे। जरी से हैंडल नहीं हो पा रहा, मगर तुम तो कर सकती हो ना, और फिर सज्जाद साहब जैसा घर तुम्हें कहाँ मिलेगा? पापा क्या है उनके घराने में? अभी वहीं से आ रही हूँ, बल्कि यहाँ नहीं रही हूँ, मैं निकाली गई हूँ, वो भी शट अप कॉल देकर। और साथ साथ ये भी धमकी दी है कि मैं आइंदा वहां आऊ ना। ये है सज्जाद अंकल के घर की वैल्यूज? पापा मुझे तो बस जरी से हमदर्दी है, और आपके जुनेद साहब का कहना है कि मैं जरी को खराब करी, और जैनी आंटी वो समझते हैं कि मैं जरी को भड़का रही। देखो बेटा, ये उनके घर का आपस का मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, उनकी फैमिलीज में है कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से जरी और जैनी भाभी लोगों के बीच में दूरी है। लेकिन तुम अपना तो सोचो कुछ। आई एम सॉरी पापा, मैंने इस बारे में बहुत सोच समझ के फैसला किया, और इस टॉपिक पे अब मैं कोई भी और बात नहीं करना चाहती। ना मुश्किल है इस लड़की को समझाना। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? वो बार बार आपको फोन कर रही थी, इसीलिए मैंने फोन पकड़ा। खबरदार खबरदार, आइंदा मेरे फोन को हाथ मत लगाना। उसे भी ये बात समझा कि आइंदा मेरे शोहर को फोन मत कर। शट अप। तो अच्छा वो कॉल रिसीव नहीं हुई, वरना तुम जैसी औरत कितने इल्जाम लगा दे। जुनेद, मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और आप ही तो कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो फिर क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक उससे हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। पाबंद है, मेरा निकाह हुआ है आपसे, आपको निकाह का पाबंद होना पड़ेगा, वरना वरना क्या करोगी तुम? हाँ क्या करोगी? मुझे धमका रही हो, फिर से धमका रही हो मुझे। चलो निकलो यहां से। जुनेद छोड़े मुझे। जोर आजमाई, मेरे साथ जोर आजमाई, ऐसे नहीं मानूंगी तुम। चलो निकलो यहां से। जुनेद। लॉस्ट जाहिल औरत।